हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो विल डू थ्री लेटर वर्ड्स बेस्ड ऑन द साउंड ऑफ आई सो साउंड ऑफ आई इज़ ई स्वर में जो ई e होता है जब हमें कहीं पर आई दिखाई देगा तो आप उसकी साउंड छोटी ई e की जो साउंड होती है वो वहाँ पर आप यूज़ कीजिएगा सो साउंड ऑफ आई विल गिव द साउंड ऑफ छोटी ई e. जो स्वर में छोटी ई e होती है ना उसकी साउंड लगाते हैं सो विद द हेल्प ऑफ यू इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज इज विल पिक्चर देखना है और उसका नाम बताना है जो निब होती है दिस इज पेन एंड निब दिस इज आई पी जिप जो आप लोगों के ट्राउजर्स में पैंट में यूज करते हैं दैट इज नेक्स्ट इज टी आई पी टिप टिप होता है बिल्कुल ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम टिप कहते हैं टी आई पी टिप दिस इज एल आई पी लिप्स आपके जो होंट होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं लिप्स एल आई पी लिप दिस इज बिग बी आई जी बिग जो साइज में बड़ा होता है उसे बिग कहते हैं बी आई जी बिग एंड दिस इज बी आई टी बिट बिट होता है छोटे छोटे टुकड़े आपने पोएम भी सुना होगा बिट्स ऑफ पेपर बिट्स ऑफ पेपर तो उसमें बिट्स का मतलब क्या होता है छोटे छोटे टुकड़े सो दिस इज बिट नेक्स्ट इज एफ आई एंड फिन ये जो मछलियां होती है फिशज होती हैं ये इनका फिन पोर्शन है ये फिन की मदद से स्विम करती है दिस इज एफ आई एंड फिन सो दिस वन इज बी आई एन बिन बिन मतलब डस्टबिन सो बिन का मतलब होता है एक तरीके से और uh, डस्टबिन जिसमें आप कूड़ा कर कर डालते हैं सो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सरसाइज इज नाव एक्सरसाइज टू इन एक्साइज टू द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स ये जो लेटर्स हैं ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है इन्हें हमें अरेंज करना है और एक वर्ड बनाना है सो so फर्स्ट है बी आई टी बिट बिट मतलब थोड़ा सा अ लिटिल बिट आपने फ्रेज सुना होगा तो इसका मतलब है थोड़ा सा एस आई टी सिट एस आई टी सिट सिट मीन्स बैठना नेक्स्ट वर्ड इज डी आई जी डिग डिग मीन्स खोदना सो जब हम कुआं खोदते हैं या हम कुछ भी जमीन को खोदते हैं दैट इज कॉल्ड डिग दिस इज एफ आई टी फिट फिट मतलब स्वस्थ सो so, हम लोगों को फिट रहना चाहिए हेल्दी खाना खाना चाहिए दिस इज एच आई टी हिट मारना किसी को घुसा मारना ढिश क्या दैट इज कॉल्ड हिट नेक्स्ट डी आई पी डिप डुबोना सो जैसे आप मिल्क uh, uh, में बिस्किट्स डुबो के खाते हैं दैट इज कॉल्ड डिप सो नेक्स्ट वर्ड इज बी आई एन बिन बिन मीन्स कूड़ादान सो वी शूड यू डस्टबिन नेक्स्ट इज बी आई डी बिड बी आई डी बिट बिट मीन्स अलविदा कहना किसी को बाय बाय करना नेक्स्ट इज डी आई एन डिन शोर तो शोर को हम इंग्लिश में कहते हैं डी आई एन डिन नेक्स्ट इज एन आई एल नील नील मतलब कुछ भी नहीं है एम टी है नील है सो नेक्स्ट वर्ड इज योर पी आई टी पिट पिट होता है खड्डा पी आई टी पिट नेक्स्ट इज पी आई एन पिन सेफ्टी पिन एस आई एक्स सिक्स छ आप काउंटिंग करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो दिस इज सिक्स छ एस आई पी सिप चुस्की लेना जब आप लोग कोई भी अच्छी सी आपको ड्रिंक मिलती है तो आप उसको सिप करके पीते हैं चुस्की लेते हैं उसकी नेक्स्ट इज एस आई एन सिन पाप एस आई एन सिन पाप तो झूठ बोलना पाप है लोगों को दुख देना पाप है सो आई होप आज का ये जो हमने एक्सरसाइज किया है आप लोगों को समझ में आया होगा थैंक यू स्टूडेंट्स